हाय गाइस, वेलकम टू सर्कल ट्रेडर्स। और सर्कल ट्रेडर्स के अंदर मैं कोशिश सरकार आपके साथ कल एक्सपायरी डे बचने का तरीका। हाँ गाइस, इस पूरा वीडियो में मैं बात करूंगा कल एक्सपायरी डे में बैंक निफ्टी बहुत ही यूज वोलेटाइल रह सकता है। साथ में मैंने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो पोस्ट करने के बाद ग्लोबल मार्केट क्या एक्शन किया है उसके ऊपर कोई अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं उस अपडेट के बारे में भी बात करूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रह सकता है। और साथ में मैं इसका भी चर्चा करूँगा कि कल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी से बचने का क्या एक बढ़िया तरीका अपना सकते हैं, राइट। तो गाइज, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखने का जरूरत है। साथ में जिन लोग स्टॉक ट्रेडर्स हैं, जिन लोग अच्छा स्टॉक चाहते हैं, मैं उनके लिए लाया हूँ दो स्टॉक कल के लिए। ओके, मैं उनके लिए लाया हूँ दो स्टॉक कल के लिए। तो देखिएगा, जहाँ तक ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी एक गैप अप के साथ ओपन होगा। लेकिन गैप अप होने के बाद का पिक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि गैप अप होने के बाद मार्केट का स्थिति क्या रहेगा, कौन सी लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इन तमाम चीज को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, राइट, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 41,000 नियर अबाउट। ओके, अब अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी अगर 500 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपायरी डे आप सबको पता है कि शुरू का 5 मिनट ह्यूज प्रीमियम डीके होता है ना, शुरू का 5 मिनट ह्यूज प्रीमियम डीके होता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कल के लिए आपको बन जाएगा 41,500। बट मुझे नहीं लगता कि 41,500 तक इतना बड़ा गैप अप होगा। हो सकता है 200 और 300 इसके बीच में कोई ओपन हो। ओपन होने के बाद आपको एक चीज बड़ा क्लियरली ध्यान देना है, जस्ट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको काफी कुछ क्लियरिटी होगा कल के बारे में, ठीक है। मैंने जो ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लीजिए करीब करीब यहाँ पे कोई ओपन हुआ, ठीक है, 250 या 300 के पास ओपन हुआ, होते ही शुरू का 5 मिनट ऐसे पॉजिटिव कैंडल बनाए। क्या हुआ, शुरू का 5 मिनट ऐसे पॉजिटिव कैंडल बनाए, ठीक है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगा आप थोड़ा सा केयरफुली हो जाना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जब इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो इसके बेंच में घूमेगा मार्केट। घूमने के बाद जब इसका लो ब्रेक होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लो ब्रेक होगा आपको एक ह्यूज टारगेट दिखाएगा, कौन से पुट में, ये भी मैं बता देता हूँ। 41,300 का पुट में आपको काम करना है। अगर मार्केट 300 का नियर अबाउट चल रहा है कि 200 पे चल रहा है, तो 100 पॉइंट इन द मनी पे काम करना है, 100 पॉइंट इन द मनी पे काम करना है, क्लियर। अदरवाइज अगर ऐसे ना हो के शुरू में यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन आया, राइट, डाउन आने के बाद इस किसी चीज का सपोर्ट लिया, ओके, सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो हमें क्या करना है। अगर ये हाई आपको 41,300 हुआ तो आपको काम करना है 41,200 का कॉल पे। आया बात समझ में। एक्सपायरी डे है, ह्यूज प्रीमियम डीके होता है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा आपको बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आप इस फॉर्मूला को अपना के अगर ट्रेड करना चाहोगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूला के अंदर एक चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है, मैंने बहुत क्लियर बताया, अगर पॉजिटिव जाता है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड में जाएंगे, अगर नेगेटिव आता है और उसके बाद उसका हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको निफ्टी का अंदाजा मिल गया है कहाँ ओपन होने वाला है, ओपन होने के बाद क्या होने वाला है। अब आता है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस बनता है 17,800 का ही रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, 17,650, यानी कि 150 पॉइंट गैप अप होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो देख लीजिएगा, 100 पॉइंट टू 125 पॉइंट पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम ह्यूज ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। कि आप सोचे होंगे मैं कॉल साइड लेके बैठा था, आप सोचे होंगे मैं पुट साइड लेके बैठा था। जिन लोग पुट साइड लेके बैठे थे उनको तो ह्यूज प्रीमियम डीके हो जाएगा, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवरनाइट करना तो खतरनाक है, और बीच में अगर हॉलीडे आ जाता है और खतरनाक है, और एक्सपायरी से पहले अगर हॉलीडे आ जाता है सबसे बड़ा खतरनाक है समझ में। तो गाइज, आप अगर हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक, मैं कभी नहीं कहता हूं कि सबसे पहले हमारा वीडियो को सब्सक्राइब ना, बेल आइकन दबाइए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर आपको ये बात सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तब जाके अभी आप बेल आइकन दबा सकते हैं। सेकेंडली, बचने का तरीका जो मैं बताने वाला हूं, वो मैं बताने वाला हूं कि कल के लिए मैं दो स्टॉक यहां पे सिलेक्शन किया हूं।
अब मैं इस स्टॉक को क्यों सिलेक्शन किया हूं ये भी बताऊंगा, बट एक शर्त है। क्या शर्त है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। शर्त यह है कि जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 50% लोग मुझे लाइक करना चाहिए। अगर 50% लोग मुझे लाइक करेंगे तो कल से भी मैं स्टॉक का वीडियो छोड़ूंगा, और स्टॉक का वीडियो में मैं किस तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूं इसके डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, फिलहाल मैं आज इतना कह सकता हूं, अंबुजा सीमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। बड़े दिनों के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, पिछले दिन का हाई ब्रेकआउट होने के बाद मेरा टारगेट है 530। ओके, फर्स्टली इंट्राडे के तौर पर अगर टारगेट लेना है तो 520 एंड 525 एंड थर्ड टारगेट 530 कल के लिए। अब बोलेंगे सर स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखो बाइंग कहां पे करने के लिए बता रहा हूं मैं, 512 के बाद। जब 512 के बाद चला जाएगा तो आपको जो ये रेंज दिख रहा है ना 505 के करीब, यहां पे करीब आपको स्टॉप लॉस लेना है। अब इसमें बचने का तरीका क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में देखो मैक्सिमम जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं आपको दिन में कितना कमाना है, ये आपको दिन का टारगेट होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता है सर 2000। ओके, मैं 20-30 हज़ार से काम करता हूँ, 2000 हो जाए तो बहुत है, 1000-1500। लेकिन जब बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तब 2000 होने के बाद भी हम रुकते नहीं हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, रुकते नहीं है, फिर 3000 हो जाता है, फिर वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे बचने का तरीका यही है कि एक्सपायरी डिन में अगर उलझान में नहीं फंसना चाहते हो तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, मेरा इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस को मेंशन करते हुए। और साथ में दूसरा जो स्टॉक बता रहा हूँ लक्ष्मी सीमेंट, देखो लक्ष्मी सीमेंट के अंदर भी अगर ऑन डे का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, और इस ब्रेकआउट में आज का प्रीवियस डे का हाई के ऊपर मैं बाइंग का सलाह दूंगा। और जो टारगेट का मैं फर्स्टली टारगेट का एक्सपेक्ट करूंगा 580 का नियर अबाउट टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, यानी कि 570 पे बाइंग करो। 500 रुपये का स्टॉक है, 1% यानी कि 5.5% यानी कि 7.5 पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। तो आप अगर इस स्टॉक में 5 पॉइंट उस स्टॉक में 5 पॉइंट 100-100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो कितना अमाउंट का जरूरत है। देखो अंबुजा सीमेंट आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाइंग का ऑर्डर लगाओ, इंटरडे पर्पस आपको चाहिए सिर्फ 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज में 500 हो गया है, और दूसरा 10,000 रुपीज में 500 हो गया है, 1,000 रुपया ले लो और चुपचाप घर जाओ। लॉस होगा तो 500 रुपया होगा, प्रॉफिट होगा तो 1,200-1,300 का प्रॉफिट होगा। लेकिन नहीं सर, हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें 20,000 रुपया है, हमें तो 10,000 रुपया कमाना है, एक्सपायरी डे है। और इस चक्कर में हमारा होता क्या है, उल्टा सीधा ट्रेड करते हैं और 20,000 रुपया से 10,000 में आ जाते हैं, कभी कभी तो इतना ज़्यादा जोश में आ जाते हैं कि अकाउंट ही जीरो हो जाता है। तो गाइस कैसे लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, बहुत लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ, डिटेल्स नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इस वीडियो में अगर मुझे 50% लाइक आता है, 50% लोगों का लाइक आता है, तो मैं कल से जब मैं वीडियो बनाऊंगा स्टॉक का तो मैं आपको क्या करूंगा, टेक्निकल समझाते हुए वीडियो बनाऊंगा कि मैं ये स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया, कहां से सिलेक्शन किया। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत। ऐसा कथागुल बोला दरकार आज।